नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक ऐसी खेती करके एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं, और वो कैसे इस खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हैं और कैसे कौन सी खेती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये कसी से कैसे इसको उखाड़ रहे हैं, क्या क्या है ये, कौन सी खेती है, तो इसके बारे में देखिए हमारे को बताएंगे किसान जी जो कि ये देखिए यहाँ पर खेती करते हैं। इसकी थोड़ी सी क्यारी में इन्होंने खेती की हुई है और इससे इस खेती से इतना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो जानेंगे इस किसान से इसके बारे में। सर ये जो आप खोद रहे हो क्या चीज़ की खेती है, क्या नाम है, बताना इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पब्लिक को। सर हल्दी की खेती है जो कि हम थोड़ी से लगा रखे हैं, एक जो एक किले का है एक साइडों में लगा रखे हैं, एक क्यारी में लंबे जो कनाल होती है, और ये हल्दी है जो कि हम 2 से 3 साल में उखाड़ रहे हैं। ये हल्दी हमारी ऐसे ऐसे हल्दियाँ होती है, ये आप लोग देख सकते हैं सर, ये हल्दी है। ये देखिए सर एक खेत में हल्दी को कैसे उगाया जाता है और कैसे उसको फिर उखाड़ा जाता है और कितने दिन की खेती होती है और कैसे इसकी केयर करनी होती है, वो भी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। ये किसान जी हैं जो, और कितना इससे मुनाफा कमा लेते हैं, अगर कोई छोटा किसान अपने खेत में ऐसी खेती करना चाहता है तो कितना मुनाफा हो जाएगा उसको, तो वो पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक हल्दी की खेती है। तो सर ये बताइए पब्लिक को, अगर कोई किसान अपने खेत में इसको उगाना चाहता है तो एक पौधे से या एक एकड़ से या जितने आपने एक क्यारी लगाई है, इसी की बात करते हैं। ये देखिए एक एकड़ की लाइन पर ये छोटी सी क्यारी लगाई हुई है, तो कितना हल्दी निकल जाती है इसमें से और क्या रेट होता है हल्दी का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो हम एक क्यारी लगा रखे हैं, एक क्यारी में हमारे 2 से 3 क्विंटल हल्दी निकल जाती है ये हम लगाए हैं। और इसकी जो एक एकड़ की बात कहें तो एक एकड़ में कम से कम ये तो पहले साल जो होती है पूरे मैच्योर नहीं होती, ये दूसरे साल में मैच्योर होती है। एक पौधे से 1.5-2 किलो हल्दी निकल जाती है जो कि एक किले में 16 से 20 क्विंटल निकल जाती है। और इसकी कीमत की बात बताएं तो इसकी कीमत जो होती है कच्ची हल्दी का 15 से 20 रुपये प्रति केजी के रेट से जाती है। अगर से इसको सुखाकर और पाउडर बनाकर बेचा जाए पैकिंग कर कर तो 150-200 किलो प्रति किलो के रेट से जाती है। तो सर जैसे ये कच्ची हल्दी दिखाई दे रही है हमारे को, तो इसको फिर क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन में ये तैयार होती है, और आपने जैसे बताया कि अगर आप इसे पहले साल उखाड़ते हो पहले साल कम क्वांटिटी होती है इसकी, अगर आप इसको 1 साल 2 साल बाद पाड़ते हो तो ये ही हल्दी 15 से 20 क्विंटल तक निकल जाती है। तो आपने जो छोटे से थोड़े से एरिए में लगाई हुई है तो इसमें से 2 क्विंटल के आसपास हल्दी निकल जाती है। तो अब बात करते हैं अगर हल्दी को सुखाकर कितनी रह जाती है, फिर सुखाने के बाद हल्दी जो 20% रह जाती है, 20% के रेट में भी अगर देखिए दोस्तों, अगर आप इस ऐसे हल्दी लगा के कच्ची हल्दी को भी बेचना चाहते हो तो कच्ची हल्दी को भी बेच सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जैसे ये सूख जाते हैं, इसके पत्ते सूख जाते हैं 2 साल बाद, तो एक ये बिल्कुल ही मैच्योर हो सकी है। तो इस तरीके से फिर इसको उखाड़ते हैं और उखाड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से अंदर जड़ से ऐसे हल्दी निकलती है, और इसको फिर सुखाकर जहाँ पर इसको पानी में गर्म करके इसको उबाला जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जान लेते हैं तो सर अगर कोई इसकी किसान अपने खेत में छोटा किसान अपने खेत में लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा, वो कौन से महीने में लगानी होती है और क्या क्या केयर करनी होती है इसकी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए फरवरी के माह में लगाई जाती है, अभी तो उखाड़ लिए, उखाड़ कर रख देंगे जो धुंध ख़त्म हो जाएगी, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती है, तो ये जो होती है गांठ जैसे होती है ये ऐसे लगाया जाता है, इतने इतने दूर के बीच में इतने गैप में लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद जैसे कि एक साल की हल्दी है तो इसको हम लगा देंगे तो एक साल में हमारा मैच्योर होती है इतना इतना, मैच्योर होने के बाद अगर से हम इसको नहीं उखाड़ेंगे तो ये सारे अगले साल सब में एक एक जो है सब फिर दोबारा फुटाव चलेगा फरवरी के माह में, फिर जब दोबारा ये ब्रांच पौधे निकलेगा, निकलने के बाद फिर इतने में ही प्लस होगा, जे ये आप एक गांठ लगाए थे तो इसमें सारे गांठ है सब जमेगा और सब में इतना इतना निकलेगा, इसलिए 2 साल में मैच्योर हो जाती है, 2 साल में बहुत ज़्यादा एक पेड़ से 1.5-2 किलो आपको हल्दी प्राप्त हो जाती है। सर ये थोड़ा इसके बारे में बताइए, जैसे हल्दी है
ये आपने दिखाई है, ये कच्ची हल्दी है, तो इस कच्ची हल्दी को ही लगाना पड़ता है खेत में या सुखा कर लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, इसको हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हमारा हल्दी है जो ये सब है, ये सब तो हम सुखा जो बॉयल करते हैं, बॉयल के लिए हम निकाल देते हैं। जो रही बारीक हल्दी, क्योंकि ये अंखें होती है, हाँ इनकी ये अंखें यहाँ होती हैं, हम छोटे छोटे लगाते हैं ऐसे। तो कैसे, क्यारी वगैरह में लगानी पड़ती है? क्यारी में लगाते हो आप? चूर पे भी लगा सकते हो, ज़्यादा बेटर जो होती है क्यारियों में होती है। क्यारियों में क्या होती है, इसका जो प्लांटेशन ज़्यादा होती है, बीज ज़्यादा बैठती है, बैठाने का जैसे बैठा लिए तो इसका एक साल में दो बार निराई गुड़ाई होती है। और पानी का क्या रहता है, ऐसे खाद पानी का कैसे केयर करनी होती है, कितना पानी चाहिए होता है इसको? इसका खाद जो होती है, कोई पेस्टिसाइड सब कुछ नहीं दिया जाता है, जो कच्चा गोबर होती है, कच्चा गोबर, जैसे हमारा हल्दी का पौधे जम गई, कच्चे गोबर से लेप लगानी है, क्योंकि इसको नमी हमेशा चाहिए। तो आप पानी दोगे तो एक हफ्ते दो हफ्ते में सूख जाएगा, इसलिए जब गोबर के ऊपर से, कच्चे गोबर से लेप लगाओगे पूरी किले में या जितने लगाओगे, तो उसमें गोबर ऊपर तो सूख जाएगा, नीचे काफ़ी लंबे टाइम तक नमी बनाए रहेगी। और सर, अगर कोई किसान अपने खेत में लगाना चाहता है तो कितना बीज लग जाता है इसका एक एकड़ में? एक एकड़ में एक क्विंटल तक लग जाती है। एक क्विंटल जो बीज होता है, और बीज क्या लगाना होता है, जो जैसे कि आप दिखा रहे गांठ होती है ये, जैसे ये होगी, देखिए जो ये होगी, तो इसमें क्या होती है, एक पेड़, एक पौधे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे निकलती है। इस तरीके से गांठ लगानी होती है, और ये गांठ लगाने के बाद तो दो साल बाद ये बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, दो साल बाद खेत में से पाड़नी होती है। देखिए, ये एक छोटा किसान अपने खेत में ही ये इस तरीके से खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा लेता है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि इसमें ये किसी भी पेस्टिसाइड का या खाद वगैरह का यूज़ नहीं करता, स्पेशल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करता है, और जिससे कि इसकी हल्दी की डिमांड, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है दोस्तों, जो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से देखिए गांठ है, इस हल्दी की इतनी ज़्यादा गांठ बन जाती है, देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल ही अगर दो साल बाद आप इसको फाड़ते हो तो ये इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी तरीके से तैयार होती है, और प्योर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होती हैं। जैसे कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको हाथ से ही फाड़ के दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही बहुत दूर तक इसकी जड़ गई होती है, और गांठे गांठे बन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से देखिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा दूर तक इसकी हल्दी, एक पौधे से कितनी हल्दी तक निकल जाती है? जैसे कि ये पौधा 2 से 2.5 क्विंटल किलो तक निकल जाती है, एक पौधा दे देता है 2 से 2.5 क्विंटल तक। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये हल्दी स्टोर करते हैं, हाँ, और जैसे इसको उबालते हैं, इसके बाद जैसे कि यहाँ ये पाड़ने के बाद कैसे इसको हल्दी को खाड़ने के बाद फिर इसको ऐसे सफाई किया जाता है, इसका जो जड़े होती है सारे काटा जाता है, काटने के बाद इसको जो ज़्यादा बड़ा है उसको और बीच में से भी चीरा देते हैं, कट मारते हैं, 2 टुकड़े 3 टुकड़े जितने होता है करते हैं, करने के बाद धुलाई करके बड़ा सा टप रखते हैं, और टप में उसमें बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाकर फिर इस तरीके से देखिए यहाँ से इस एरिए में पूरे एकड़ की लाइन में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये हल्दी की खेती कर रखी है, और एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं इसी छोटे से एरिए से ही। तो अब आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर इसका स्टोर करते हैं, हल्दी को स्टोर करके कैसे इसको बॉयल किया जाता है, पानी में गर्म करके कैसे इसको उबाला जाता है, देखिए वो भी हम आपको अब दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ हल्दी का स्टोर कर किया हुआ है, और यहाँ से किस तरीके से देखिए इसको उखाड़ते हैं, इस तरीके से ये जो इसकी जड़ वगैरह होती है इस तरीके से चाकू की सहायता से इसको साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसको बीच में से काट लिया जाता है, काटने के बाद इसको ये देखिए टफ वगैरह में इस तरीके से रखा जाता है। अब इसके बाद क्या क्या करते हैं इसका, इसको पानी से धुलाई करते हैं, इसके बाद इसकी पानी से धुलाई होती है, और इस तरीके से देखिए इसके टप में, बड़े टप में इसको रखा जाता है, और पानी गर्म करके आग बाल के इसको एक उबाला जाता है, उबालने के बाद फिर इसको सुखाया जाता है। देखिए इस हल्दी को जो कटा हुआ है इसको हम ऐसे टप में लेते हैं या कुछ बाल्टी में लेते हैं, लेने के बाद हम इसको पानी में धोते हैं। इसको पानी में एक दो बार धोते हैं, धोने के बाद इसका जो मिट्टी या गंध होती है ये सारी झड़ जाती है।
ये बॉयल करके इसको धूप में ऐसे नीचे कट्टे या कुछ भी बिछा कर इसको छत पे भी सुखा सकते हैं, ऐसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद भी जो शाम होती है, शाम को इसको ढकनी भी होती है। तो कितने घंटे के बाद ये हो जाती है बिल्कुल सूख जाती है जी? कम से कम इसको सूखने में पूरी 15 से 16 दिन या 20 दिन तक लग जाते हैं। 20 दिन तक धूप लगानी होती है। हाँ जी।